इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जिंक यूजिनॉल सीमेंट। जब भी हमारे टीथ में कोई प्रॉब्लम होती है एंड वी गो टू द डेंटिस्ट, व्हाट डज ही डू? फॉर एग्जांपल हमें कैविटीज़ हो गई, ठीक है, तो कैविटी को ट्रीट करके उसके बाद एक फिलिंग होती है हमारे टीथ में, एंड दिस फिलिंग में भी इधर टेम्परेरी और परमानेंट। अगर कोई ऑपरेट हुआ हमारे टीथ में, कोई ऑपरेशन है, कोई प्रॉब्लम है उसको ऑपरेशन में, तो कुछ टाइम के लिए उसे कवर करने के लिए एक सीमेंट होता है, सीमेंट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, जो थोड़े टाइम बाद हार्डन हो जाता है, ठीक है। और ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा प्रोसीजर हुआ है इन आर टीथ। सीमेंट्स आर यूज टू टेम्परेरीली कवर और प्रोटेक्ट द एरियाज दैट हैव बीन फ्रेशली ऑपरेटेड अपॉन एज इन डेंटल सर्जरी, ठीक है। मतलब कोई भी डेंटल सर्जरी हुई है और अगर उसे हमें टेम्परेरी या फिर परमानेंटली उसको हमें कवर करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं जिंक यूजिनॉल सीमेंट। द सीमेंटिंग मटेरियल इज अप्लाइड एज अ पेस्ट विच हार्डन्स इन अ शॉर्ट वाइल। जब अप्लाई होगा तो पेस्ट के फॉर्म में होगा ये मटेरियल, पर कुछ टाइम बाद वो क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू अ हार्डन्ड टाइप ऑफ मटेरियल और वो हमें टीथ की तरह ही अपीयर होने लगेगा। आफ्टर हीलिंग ऑफ ऑपरेटेड टिश्यू द हार्डन्ड सीमेंट में बी रिमूव बाय डेंटिस्ट, और अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है फर्दर तो ऑपरेशन के बाद द डेंटिस्ट में इवन रिमूव इट, और या फिर वो उसे एज इट इज़ भी छोड़ सकता है, ठीक है। जिंक यूजिनॉल सीमेंट हैज़ बीन यूज इन डेंटिस्ट्री सिंस 1890s। दे आर द लीस्ट इरिटेंट एंड हैव सेडेटिव इफेक्ट, ठीक है। मतलब कोई इरिटेशन कॉज नहीं करेंगे एंड दे ऑल्सो हैव अ सिडेटिव इफेक्ट, थोड़ा सा मतलब पेशेंट को सिडेशन प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा नींद जैसा सेंसेशन आने लगेगा जिसमें पेन भी नहीं होगा उसे, ठीक है। दे आर कंपैटिबल विद बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ माउथ, और ये मतलब हमारे टीथ में हार्ड टिश्यूज भी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे टीथ हो गए, हार्ड टिश्यूज हो गए, हमारी टंग है, हमारे माउथ का अपर पोर्शन है ओरल कैविटी का, तो हमारे ये सॉफ्ट टिश्यूज हैं, तो दे आर कंपैटिबल, मतलब दे आर कंफर्टेबल विद बोथ टाइप ऑफ टिश्यूज, किसी के भी साथ कोई भी अननेसेसरी रिएक्शन इरिटेशन कुछ भी कॉज नहीं करेंगे, ठीक है। जिंक यूजिनॉल सीमेंट के वी हैव क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। द फर्स्ट वन आर द वंस विच आर फॉर टेम्परेरी सीमेंटेशन, द सेकेंड वी हैव फॉर परमानेंट सीमेंटेशन, फॉर थर्ड वी हैव टेम्परेरी फिलिंग मटीरियल, एंड लास्ट वन दे आर द कैविटी लाइनर्स। फर्स्ट हो गए कि हमने उनको कुछ टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमने परमानेंट उनको फिक्स कर दिया हमारे टीथ में, और थर्ड है हमारे फिलिंग मटेरियल की तरह जिनको हम टेम्परेरी यूज़ कर रहे हैं और हमारा यूज़ होने के बाद हम उसे रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। टाइप फोर हो गए हमारे, अगर हमारी कैविटीज़ हैं उनके लाइन्स में, कॉर्नर्स में, और हम उन्हें फिल करते हैं, ठीक है। अब वी हैव द जिंक यूजिनॉल सीमेंट के जो डोजेज फॉर्म है उसको अवेलेबल होगा, या तो पाउडर्ड होगा या फिर लिक्विड होगा, ठीक है। तो अगर पाउडर है तो उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक स्टेरेट, जिंक एसीटेट एंड ट्रेसिन, और लिक्विड है तो वी हैव यूजिनॉल कॉटन सीड ऑयल। दीज आर द टू फॉर्मुलेशन ऑफ जिंक यूजिनॉल सीमेंट, पाउडर हो गया, लिक्विड हो गया, और ये उसका कंपोजिशन है, ठीक है। अब हम ड्रग पढ़ेंगे। एक मैंने आपको पहले बताया, हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो हमें उस टॉपिक के साथ हमारे पास एक ड्रग दी हुई होगी जिसको हमें डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो अब इसमें हमें है जिंक यूजिनॉल सीमेंट ही है हमारा, तो जिंक यूजिनॉल सीमेंट की खुद की प्रिपरेशन हमें देखनी होगी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो प्रिपरेशन में इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेटिंग रिएक्शन। सेटिंग रिएक्शन से हम बनाते हैं कैसे, जिंक ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसके हाइड्रोक्साइड में बाय द एक्शन ऑफ वाटर। मतलब जिंक ऑक्साइड को पहले हम रिएक्ट करेंगे विद वाटर तो हमें मिल जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड, उसके बाद विच देन कम्बाइंस विद यूजिनॉल टू फॉर्म अ चेलेट। अब हमें जिंक हाइड्रोक्साइड तो मिल गया बट हमें जिंक यूजिनॉल सीमेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे विद यूजिनॉल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय HE, और हमें मिलेगा जिंक यूजिनोलेट, ठीक है, और हमारा क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर। तो ये होती है प्रिपरेशन ऑफ जिंक यूजिनोलेट, दैट इज द जिंक यूजिनॉल सीमेंट। प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, ये वाइट कलर का वीक सीमेंट होगा और एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब इसको ये कोई भी टेम्परेचर के साथ विदस्टैंड कर पाएगा, ये नहीं कि हमें इसको कम या ज़्यादा में ही मेंटेन करना है। और इसका जो pH होगा वो रेंज करेगा विदिन 6.6 to 8 की रेंज, ठीक है। और यूजेस, इट इज़ यूज एज अ डेंटल सीमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फिलर, मतलब टीथ की फिलिंग करने के लिए कैविटीज़ में वी यूज़ इट, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ डेंटल सीमेंट। सो दीज आर द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ जिंक यूजिनॉल सीमेंट।